हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुल्गारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर लीसा और इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हैं, और इसीलिए काफ़ी टाइम लीसा और प्रियंका चोपड़ा को एक साथ देखा भी जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी बुल्गारी कोई भी इवेंट या फिर शो अरेंज करती है तो उसमें अपने ब्रांड एम्बेसडर को जरूर इन्वाइट करती है। और फ्रेंड्स, इसी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बुल्गारी कोरिया के सोल में अपना एक इवेंट अरेंज करने वाली है, जिसमें BTS के मेंबर जंगकुक को भी इनवाइट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसी न्यूज को आर्मीज ने जब जाना तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई। क्योंकि फ्रेंड्स, आर्मीज का ऐसा कहना है कि जब जंगकुक इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं है और ना ही उनका कोई भी लेना देना है, तो फिर ये कंपनी जंगकुक को इनवाइट कैसे कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि जंगकुक को लेकर ऐसी न्यूज क्यों आ रही है कि जंगकुक भी इस इवेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंगकुक बुल्गारी कंपनी के ना तो ब्रांड एम्बेसडर हैं और ना ही उनका आना जाना है, लेकिन फिर भी आर्मीज को ये न्यूज मिली है कि जंगकुक उनकी इवेंट में जा सकते हैं और लीसा प्रियंका चोपड़ा दोनों से ही मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दरअसल हुआ ये है कि रिसेंटली ही बुल्गारी कंपनी के CEO ने बताया है कि उनकी कंपनी को 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसकी खुशी में वो कोरिया के सोल में एक इवेंट रखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, इन सारी ही बातों को खुद उनके CEO ने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू हर किसी को बताया था। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जंगकुक को भी इन्वॉल्व इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी तो उसमें उन्होंने जंगकुक के ड्रीमर सॉन्ग को यूज किया था, जिसकी वजह से आर्मीज काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्मली वो लीसा के सॉन्ग के थ्रू अपनी बातों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों के साथ जंगकुक के सॉन्ग को यूज करना सही समझा, जिसकी वजह से काफी सारे आर्मीज को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जंगकुक को भी वो अपने इवेंट में इनवाइट करें। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक रीजन ये भी दिया जा रहा है कि बुल्गारी के CEO ने अपने इंस्टाग्राम पर जंगकुक के फेक अकाउंट को फॉलो किया है, इसी वजह से काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो इस तरफ फॉलो करके आर्मीज को और जंगकुक के फैंस को ऐसा बताना चाहते हों कि वो जल्दी जंगकुक के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, यानी कि जंगकुक को अपने साथ ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को ही फॉलो किया है, इसके अलावा उन्होंने किसी भी BTS मेंबर को फॉलो नहीं किया है। और फ्रेंड्स, यही सब रीजन है कि आर्मीज को ऐसा लग रहा है कि जंगकुक भी अब इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बुल्गारी जंगकुक को लेकर कोई सरप्राइज आर्मीज को देने वाली है या फिर नहीं? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।